अगर आपका TCL का AC है और उसमें E0 का एरर कोड दिखला रहा, यानी EO का एरर कोड अगर दिखला रहा, तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा? इस कंडीशन में से सही तरीका से चल ही नहीं पाता है, तो अब फिर परेशान हो जाते हैं। अब इस एरर कोड EO दिखला करके फिर बंद हो जाता है, या फिर EO एरर कोड दिखलाते रहता है, तो इस कंडीशन अब क्या कर सकते हैं, है ना? एरर कोड जब मालूम रहेगा, उसका फॉल्ट मालूम रहेगा, तो एक बार मसाने से आप उसका फॉल्ट को पकड़ सकते हैं। या फिर एरर कोड जो EO एरर कोड दिखला रहा, इसको प्रॉब्लम हो सकता है इनडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन वायर का फॉल्ट रहता है, यानी कि इनडोर यूनिट टू आउटडोर यूनिट, यानी इनडोर जो हम लोग सप्लाई देते हैं, इनडोर में सप्लाई दिए, अब इनडोर जो सप्लाई हम पूरा ये सब इन्वर्टर से दिया गया है, इनडोर में हम लोग सप्लाई दिए हैं, और वहाँ से मेरा जो है कि आउटडोर के लिए सप्लाई निकलता है, वायर निकलता है 3 वायर किसी 4 वायर 5 वायर इस तरह से, तो वो जो वायर 4 कोर वायर निकलता है तो बीच में कहीं पर कट करते हैं, सही से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा तो भी आपको ये एरर कोड दिखलाएगा। या फिर जो वायर जहाँ जुटना चाहिए, जैसे अगर ब्लैक है तो ब्लैक में ही जुटना चाहिए, एन है तो एन की जगह जुटना चाहिए, एल है तो एल की जगह जुटना चाहिए, सी है सी की जगह, एस है तो एस की जगह, ई है ई की जगह, यानी जो भी वायर है उसको प्रॉपर अपनी जगह पर सही से सेट नहीं किया, जिसके कारण से क्या चाहिए मेरा एरर कोड दिखला रहा है, ये प्रॉपर समझ लीजिए। और ईओ का एरर कोड दिखला रहा तो इस तरह एरर कोड आए थे, हमेशा समझिए कम्युनिकेशन वायर में ही फॉल्ट है, या फिर आउटडोर में जहाँ पर जोड़े हैं वहाँ पर गलत कनेक्शन किए हैं, या फिर ढीला कनेक्शन किए हैं, या फिर तार सही से बीच में जुड़ा जोड़े हैं कहीं पे वहाँ पे सही से नहीं किए हैं, या फिर गलत कहीं उल्टा पुल्टा कर दिए, जिसके कारण से आपको ये एरर कोड आपको दिखला पेगा। तो वीडियो को पसंद पसंद आए चैनल से जरूर करिएगा।